नमस्कार, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुष्कर झील की। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और इस झील के कारण ही इस जगह को पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा गया है, इसलिए इसे पुष्कर राज भी कहते हैं। पुष्कर झील के बारे में पुराणों से पता चलता है कि ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे कि अन्य देवताओं के समान उनका पृथ्वी पर कोई भी धाम नहीं है। भगवान शिव की सलाह पर उन्होंने कमल की पंखुड़ी गिराकर स्थल का चयन किया। वो तीनों पंखुड़ियां इसी स्थान पर गिरी और तीनों पंखुड़ियों से तीन जल स्रोत धरती से फूट पड़े। इसी के कारण पुष्कर सरोवर के तीन हिस्से हैं, जो सबसे प्रधान पुष्कर है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है, दूसरा बूढ़ा पुष्कर है ये विष्णु जी को समर्पित है, और तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है जो कि रुद्र देवता को समर्पित है। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है। इस सरोवर में डुबकी लगाने मात्र से ही यात्रा संपन्न मानी जाती है। ये अर्ध गोलाकार में है और इसकी गहराई लगभग 9 से 10 मीटर है। झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख घाट है गौ घाट, ब्रह्मा घाट, कपाल मोचन घाट, यज्ञ घाट और ऐसे ही कुल 52 घाट हैं। गौ घाट में आपको गाय भी मिल जाती है, कुछ गाय होती हैं जिन्हें आप चारा खिला सकते हैं या दाना खिला सकते हैं। इसके अलावा झील के चारों ओर घाट पे आपको कबूतर मिलते हैं जिन्हें आप दाना खिला सकते हैं। दाने वाले भी वहाँ घूमते रहते हैं, जिन्हें आप 10 रुपए में एक पैकेट वो दाना दे देते हैं और आप कबूतरों को या गाय को जिसे भी चाहें आप खिला सकते हैं। झील का पानी बिल्कुल हरे नीले रंग का है, दिखने में ये बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन जब आप इस पानी को हाथ में लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये हरे रंग की काई से भरा हुआ है पूरा झील। पीने लायक तो इसका पानी नहीं है, लेकिन आप स्नान कर सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है इस झील को पूरी तरह से साफ रखने की, तो इस झील में आप साबुन के साथ स्नान नहीं कर सकते, आप बिना साबुन के स्नान कीजिए। और यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फोटोग्राफी करते समय ध्यान रखिए कि आपके आसपास कोई स्नान न कर रहा हो, दूसरों को स्नान करते हुए फ़ोटो खींचना सख्त मना है, तो इतना आप ध्यान रखिए। बाकी पूरे पुष्कर का सबसे खूबसूरत जगह यही है, यहाँ आप बैठेंगे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।